आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन का कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपके फ़ोन का कीबोर्ड नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद ऊपर आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड। और आप देख सकते हैं ये सेम आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला कीबोर्ड आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करिए और इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। तो यहाँ पर छोटा सा एप्लीकेशन है, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद अब सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन इनेबल स्विफ्ट की, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपके फ़ोन की सेटिंग्स में ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड। यहाँ पर इसे चालू करिए, इस पर क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, तो एक्टिवेट पर क्लिक करिए। अब उसके बाद ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्विफ्ट की, इस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड, यहाँ पर इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा फिनिश अप, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर नीचे नॉट नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पर नो पे क्लिक करिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपका इस कीबोर्ड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर हम अपने फ़ोन में व्हाट्सअप को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का कीबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, आप यहाँ पर इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आपको जब आती है, आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में कोई बग आ जाता है, तो आप बाद में सेटिंग्स में जाकर अपने फ़ोन का कीबोर्ड सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर बग फिक्स हो चुका होगा तो आपके फ़ोन का कीबोर्ड वर्क करने लग जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।